सतर्कता गई दुर्घटना घटी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज के निकट सुबह 4 बजे, जैसा कि ट्रक के स्टाफ का कहना था कि गुजरात से टाइल्स लेकर हम आसाम जा रहे थे, सुबह 4 बजे ट्रक अनबैलेंस हो गया और ओवर ब्रिज पर आकर उलट गया। इसमें किसी प्रकार की कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस को मिली जानकारी। विश्वविद्यालय थाना के ASI सौदागर पासवान पहुंचे घटनास्थल पर, घटना का किया मुआयना। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है, हम लोग सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं। वहीं ट्रक का जो स्टाफ है उसने क्या कहा सुनिए। आपको बता दें कि अभी कुहासे का समय है और दूसरी तरफ तेज रफ्तार में ट्रक और बड़ी बड़ी वाहनें NH 57 पर चलती है। वैसे इस रोड पर चलना तो स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ी सी अनबैलेंस के कारण किसी प्रकार की कहीं भी बड़ी दुर्घटना घट जाती है, जिसका नतीजा है कि यह दुर्घटना ग्रस्त हो गया। विश्वविद्यालय थाना की गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंचकर स्थल का मुआयना कर रही है। इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना के ASI सौदागर पासवान ने बताया। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये बताइए, ये जो गाड़ी पलटी मारी है, कहाँ से गाड़ी आ रही थी, कहाँ जा रही थी गाड़ी? गुजरात से आसाम। कहाँ से? गुजरात से आ रही थी, आसाम जा रही थी। लदा हुआ था इसमें कौन सी माल? टाइल्स है। कितना बजे रात में घटना घटी है? 4 बजे। कितना का क्षति हुआ होगा? ये तो पता नहीं है। कितना चक्का ट्रक है? 22। घटना कहाँ पर घटी है? दरभंगा, दिल्ली मोड़, दरभंगा। क्या नाम हुआ आपका? उसका तो क्या पता, ड्राइवर का क्या नाम? आपका क्या नाम हुआ? मैं भाई, मेरे क्यों फंसा, मैं क्यों बताओ। ये दिल्ली मोड़ के पास के जगह है और ये सुबह में जो है सो इस ट्रक है 22 चक्का, इस पे टाइल्स लदा हुआ था, ये अनबैलेंस होकर के जो है सो उलट गया है। इसके सुरक्षा में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए। तो इसमें किसी को घायल होने की सूचना है? हाँ, कोई घायल नहीं हुए हैं, सब ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं सब। कितना का माल क्षति हुआ होगा सर? ये तो हम नहीं बता सकते हैं माल कितना का क्षति हुआ है, ये तो सामने आपके सामने पड़ा हुआ है। कौन सा थाने से? हम विश्वविद्यालय थाना से हैं। परिचय सर? ASI सौदागर पासवान मेरा नाम है।